good morning and welcome to another new vlog. Welcome to my channel Kritiki Lifestyle. So friends, आप लोग सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, खुश और स्वस्थ अपने लाइफ में. मैं भी बहुत ही खुश हूँ. एंड सुबह का बज रहा है अभी 10:45, तो मेरा बहुत कुछ काम घर का अभी बाकी है. मैं आप लोगों के साथ वो सब तो नहीं शेयर करने वाली हूँ, बट सोची आज का ब्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ. ना धोकर सब काम खत्म करके फिर मैं आप लोगों के साथ आज बहुत कुछ बकर बकर करने वाली हूँ. इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. एंड फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया. मैं तो बोली थी नहा धोकर आप लोगों से बात करने आऊंगी, बट फिर थोड़ा बिजी हो गई काम में, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ. हर दिन करती हूँ, बट आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आई होप सो इन डिटेल शायद कर पाऊँ. मैं तो आधा दिखाती हूँ आधा नहीं दिखाती हूँ. तो एनीवे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, पहली बार फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाली हूँ, क्या बोलते थे, भूल गई, लाउ चिंगरी. ये याद आया. तो मैं आज बनाने वाली हूँ लाउ चिंगरी. तो इसके लिए इधर है चिंगरी मच, और आप देखिए क्या हुलिया बना के रखी हूँ मैं. इधर सब चॉप कर रही थी, और फ्रेंड्स प्याज को जब मैं चॉप कर रही थी तो मुझे और एक भी डिश बनाना है. आलू चोखा बनाना है और प्याज की दाल भी बनानी है. मसूर दाल प्याज की मैं बनाऊंगी. तो इसके लिए मैं जब प्याज को काट रही थी, वैसे तो मैं पानी में डुबा के रखी थी, बट पहले एक बार मैं मीन्स एक प्याज को मैं ऐसे ही काटी, और माय गॉड, मेरे आंखों के अंदर से इतना जल जल के पानी निकल रहा था ना, मैं तो लिव इट एंड फॉर फ्यू सेकेंड मैं दूर भाग जाऊं इस प्याज को छोड़कर. एनीवे, फिर पानी में डुबो डुबो कर मैं सब कुछ चॉप की जो कि मुझे आज का रेसिपी में चाहिए, और जो भी होगा फिर भी काटने बैठूंगी, फिर मैं इस्तेमाल करूंगी. तो वैसे अब बज रहा है 5:30 और मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से 7:30 बजे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई थी. तो फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो अगर वो चले आएंगे तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब फील करती हूँ. मैं चाहती हूँ उनके ऑफिस से आने से पहले मेरा सब कुछ खत्म हो जाए. ये किचन काउंटर जगह, ये काउंटर जगह मैं सब मीन पूरा क्लीन कर लूंगी. इवन गैस स्टोव, इवन अगर कुछ बचा कुछ बर्तन रहा वो भी मैं साफ कर लूंगी. आई डोंट कीप एनीथिंग लेफ्ट एंड आई ट्राई टू डू एवरीथिंग बिफोर ही कम्स. सो विदाउट एनी फादर अडू, लेट्स स्टार्ट. मैसूर दाल को 2 से 3 सीटी मारकर दाल को अच्छे से गला ली मैं. फिर कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म होने दी. सो फ्रेंड्स, मैं जिस भी काम करती हूँ उसके लिए मुझे हाथ देना पड़ता है, स्पेशली जब मैं किचन का काम करती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट किचन का काम. जब भी कुछ भी काम, कुछ भी पकड़ती हूँ तो उसके बाद मुझे 10 बार हाथ धोना पड़ता है. अगर मैं कढ़ाई को पकड़ती हूँ और वो गैस में है तो मुझे फिर जाकर हाथ को धोना पड़ता है. फिर मैं किसी और चीज़ को पकड़ती हूँ, चाहे वो मसाला हो कि वेजिटेबल हो, एनी एट्सेट्रा, एनीथिंग एट्सेट्रा. तो अभी मैं अगर इसको पकड़ूंगी जो कि इधर है दाल, अभी देखो मैं गैस को थोड़ा स्लो की, तो ये अभी इसको पकड़ रही हूँ दाल. अगर मुझे फिर कुछ मसाला वगैरह का डब्बा पकड़ना है तो फिर मुझे आइए मेरे साथ, तो मुझे फिर हाथ धोना पड़ेगा. फिर इधर देखिए, इधर मेरा ये पोछा है, मैं इधर हाथ को पोछती हूँ. फिर इधर जो मसाला सारा इंग्रेडिएंट मैं इधर रखी हूँ तो वो सबको पकड़ना पड़ता है. ये चीज मेरी सासू मम्मी ने मुझे बताई है और मैं फॉलो करती हूँ, जो कि सही है. मैंने सरसों का तेल थोड़ा डाली है और फिर इसमें थोड़ा जीरा दूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी. नहीं, जीरा और सूखी मिर्च और ग्रीन चिली को क्या बोलते हैं, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डालकर थोड़ा जीरा दूंगी, फिर थोड़ा उसको सौते करूंगी, फिर उसके बाद प्याज को डालकर थोड़ा अच्छे से फ्राई करके फिर दाल को देकर अच्छे से बॉईल करूंगी, फिर हो गया मेरा मैसूर की दाल. लेट्स स्टार्ट. तो इसको देखकर ही मैं आज लाउ चिंगड़ी बनाने वाली हूँ.
तो प्रॉन में थोड़ा ये नमक जाएगा फॉर मैरिनेशन एंड सम टर्मरिक। बस हो गया, इतना सा काफी है। और ये मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है, मींस ही लव टू ईट चिंगड़ी मच एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है चिंगड़ी खाना। तो लाओ चिंगड़ी बंगाली लोगों का एक मींस बहुत ही फेमस वन ऑफ द फेमस डिश है। ये जो मैं मसाला दे रही हूँ इसमें है जीरा, सूखी लाल मिर्च और धनिया को अच्छे से रोस्ट करके ये पाउडर किया गया है और लास्ट में ये पाउडर डालकर अच्छे से बॉईल करके बन गया मेरा मैसूर की प्याज वाला दाल। दाल के बाद नेक्स्ट डिश इज आलू चोखा। इसके लिए मैंने दो आलू ली है और प्याज और टमाटर आप देख ही पा रहे हैं अच्छे से चॉप किया गया है और मैं बीच में से आलू को अच्छे से काट ली और फिर प्रेशर कुकर में देकर 2 से 3 मीडियम फ्लेम में सीटी मार ली। और इधर मेरा दाल अच्छे से बनकर रेडी। तो साथ ही साथ मैं अभी प्रॉन को फ्राई कर लूंगी, चिंगड़ी माछ को फ्राई कर लूंगी। तो उसके लिए मैं और एक कढ़ाई लाती हूँ। ये कढ़ाई ये गंदा नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ज्यादा कुकिंग करने से ज्यादा खाना बनाने से जो काला काला हो जाता है ना, जितना मेरे से हो सके मैं उतना उठा दी हूँ और इतना थोड़ा थोड़ा है। डोंट फील डोंट थिंक दैट गंदा कढ़ाई है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बहुत ही साफ। So for that, what to do? I need to on the flame. So, reach out. Ding 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 ding. Okay. Bring it there. और ये है मेरा प्रॉन। तो तेल को अच्छे से गर्म करने देती हूँ, फिर एक एक करके तो एक एक करके सारा चिंगड़ी माछ प्रॉन को मैं फ्राई कर लूंगी। Okay.
इसी तेल में मैंने तेजपत्ता, एक तेजपत्ता, दो सूखी लाल मिर्च, दो लौंग, एक इलायची और दो दालचीनी मैं इसी तेल में डाल दी। फिर इसके बाद मैं एक चम्मच जीरा डालूंगी ये तेल में। चिंगड़ी माछे लाउ घंटो, ये रेसिपी मैं पहली बार बना रही हूँ और मेरी दोनों मम्मी ने मुझे बोली थी कि अदरक नहीं डालने को, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अदरक अच्छे से चॉप करके मैं डाली। मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाई। ये रेसिपी मैं सरसों का तेल में ही बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ लौकी, हिंदी में बोलते हैं लौकी और बंगाली में बोलते हैं लाऊ। मैं लाऊ डालकर अच्छे से नमक और हल्दी डालकर मैं उसको पकाने लगी। फिर इसके बाद मैं ढक्कन देकर उसको ढक दी और 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम में मैं उसको अच्छे से पकने दी, नरम होने दी। लाउ चिंगड़ी ऑलमोस्ट बन चुका है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बट लास्ट इसको और टेस्टी बनाने के लिए घी और गरम मसाला में डालकर फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बस हो गया। Thank you.
नाउ इज द टाइम फॉर टेस्टिंग। किसी को खाने के लिए देने से पहले अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खुद टेस्ट करो। तो मैं एक चिंगड़ी माछ के साथ थोड़ा सा ली, ये पूरा गर्मा गर्म है, मेरा तो होकर रेडी हो चुका है। और मेरा आलू का सब्जी भी हो गया है। एनीवे तो इसको अभी थोड़ा टेस्ट कर लूंगी। बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, बहुत ही गर्म। चिंगड़ी माछ के साथ एक बाइट, नहीं तो जीभ जल जाएगा, इसलिए फूंक दे रही हूं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स वेरी टेस्टी। एंड मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगेगा इसको टेस्ट करते हुए। इसके साथ भात खाने में उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो हो गया, आज मैंने दाल बनाई चिंगड़ी माछ लाऊ घंटो एंड आलू चोखा। कभी कभार मैं बोलती थी आलू चटनी, तो जो भी हो आलू चटनी आलू चोखा सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मुझे अच्छे से इसको प्लेटिंग करना है, फिर उसको ढककर मुझे पूरा साइड करके रखना है, पूरा किचन कंटूर मुझे साफ करके वेल ऑर्गेनाइज करके रखना है। और जो बचा कुचा मीन्स किचन कुकिंग करने वक्त जो सब यूटेंसिल निकला उसको भी अच्छे से वॉश करके जगह जगह में रखना है, ठीक जगह में रखना है। तो Damn.